लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे पापा ये पाई कहे क्या है, इससे तो हमारे गांव में गधा गाड़ी, रोको यार रोको, अरे रोको ए? कौन है बाबा आप, है क्या कर रही है आप इधर? ये आपका घर है? हाँ हाँ बाबा मेरा ही घर है। अच्छा, ये जानकर खुशी हुई। अच्छा खुशी हुई, वाकई खुशी हुई? जी जी, क्यों आपको मेरे चेहरे से नहीं लग रहा? नहीं मैंने अभी आपके चेहरे को गौर से देखा नहीं है ना। तो देख लें किसने मना किया है। वाह भाई वाह, अरे आप तो भाई बिल्कुल बड़ी दिलचस्प खातून है। इस घर में आप अकेले रहते हैं? नहीं मैं यहाँ नहीं रहता। लेकिन आपने तो कहा कि ये घर आपका है। हाँ ये घर मेरा है, लेकिन यहाँ मेरा बेटा रहता है। क्या बेटा? क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता? नहीं मेरा मतलब है कि आप अभी खुद लड़के लगते हैं ना। अरे मैं लड़का लग, अच्छा वाकई मैं लड़का लग रहा हूँ? क्यों, क्या मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं नहीं मैंने ऐसा कब कहा कि आप मजाक कर रही हैं। अच्छा मुझे ये बताइए आप हैं कौन? मैं मेहमान हूँ। मेहमान? अरे मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है भाई, हमारा शान है, हमारा मान है मेहमान। अरे आप जैसे मेहमान तो किस्मत से मिलती है। आप अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो, आ जाओ। और देखो मुझे दरवाजे नजर नहीं आ रहा। आओ 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 आओ, आओ बाबा आओ आओ, अपना ही घर समझो इसको, आ जाओ। अब तुम ऐसा करो, तुम यहाँ आराम से बैठो और मैं अंदर सो के आ जाता हूँ। अंदर किस जुर्म में? मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। अच्छा बाबा अंदर जाने का मतलब ये है कि मंदर कमरे में जाकर अपने पेड़ से मिलकर आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अकेली बैठूंगी क्या? अरे बाबा ये कोई बहराड़ी थोड़ी ही है, मतलब देहात थोड़ी ही है कि यहाँ कोई मसला होगा तुम्हें बैठने से। तुम आराम से बैठो, मैं बस अभी गया और यूँ आया। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी? तो तुम मुझे आवाज दे देना। लेकिन मैं तो आपका नाम तक नहीं जानती, किस नाम से पुकारूं मैं आपको? बाबा तुम मेरा नाम लेकर मुझे आवाज देना, बस बोलना कि मालूम। बाकी जान पहचान के लिए तो अभी बहुत वक्त पड़ा है, तो बस तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर से होके आता हूँ। आराम से तुम बैठो, कोई फिक्र ना करो, ठीक है? जल्दी आइएगा। वाह 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 यार, गर्मा गर्म चाय ले आया। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह ही इतनी अच्छी शुरुआत हो गई। मुझे जानी कहते हैं, आप कौन? हेलो। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं और किससे मिलना? वो असल में मैं मेहमान हूँ। देखिए जी, इस दुनिया में तो हर इंसान मेहमान है, कोई पल दो पल का, कोई कई रोज का। जी नहीं नहीं मेरा मतलब ये था कि आपको किससे मिलना है, आप यहाँ अकेली जो बैठी हुई? मैं इस घर के मालिक की मेहमान। बच्चू साहब की? नहीं तो। अच्छा फिर सीमा मैडम की होगी। आप पुलिस में हैं जो इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं मेरे से? अरे नहीं नहीं मैं तो यहाँ का मैनेजर हूँ। घर का भी कोई मैनेजर होता है क्या? यहाँ अक्सर हुआ करते हैं। वैसे अभी तक आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, किसकी मेहमान है आप? मौले बॉस आप? क्या हुआ बाबा? बॉस आप यहाँ क्या? क्यों भाई मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं हो सकता क्या? नहीं वो अचानक से आपकी एंट्री ने मुझे डरा दिया। अरे बाबा क्या हुआ, तुमने मुझको आवाज दी? ये मुझसे सवालात कर रहा है, पूछ रहा है कि मैं किसकी मेहमान हूँ, बताएं जरा आप इसे। अरे बाबा जानी बात सुन, तू नौकर है तू नौकर बन के रह, अब क्या मालिकों के मेहमानों से भी तू सवाल जवाब करेगा? बाबा सुन मैं तो सिर्फ जानकारी दे रहा था। हमारे मेहमानों से जानकारी मैं तुम क्यों ले लूंगा, समझ रहे हो? हमारे मेहमानों की तुम जानकारी लेते हो? ये तेरे हाथ में क्या है? चाय? चाय? ये मुझे दे, मैं अपने मेहमान को पिलाता हूँ। ये ले ले मेरी जान।
मगर सर वो तू जाके दूसरी चाय बनाकर मैडम को दे दे। चल निकल यहाँ से, जा किचन में चल। ये तो मैं सीमा मैडम के लिए बना के लाया था। अरे वही बात पर, बस जा यहाँ से निकल, चल यहाँ से निकल, चल। अब बासुन मैं यूं गया और जाके यूं वापस आया, और बासुन अगर तुम्हें कोई फिर दोबारा तंग करे ना मुझे आवाज देना। जल्दी आइएगा, मेरा दिल नहीं लगेगा आपके बगैर। जानी ओए नौकरानियों के सोफे पे बैठती है, उठ। नौकरानी कौन, दिखता नहीं है कि मैं चाय पी रही हूँ? बड़ी जबान चलाती है, तू है कौन और कहाँ से आई है? वैसे आप कौन है? शक्ल से तो मुझे आप नौकरानी लग रही हैं। होश में रह के बात कर, मैं इस घर की मालकिन हूँ। एक और मालिक, ये घर है कि लावारिस जमीन, इतने मालिक। ज्यादा जबान ना चला, ये बता के तू यहाँ क्या कर रही है? मैं इस घर के मालिक की मेहमान हूँ। कौन मालिक, मेरा दादा? हाँ वही शायद। शायद क्या मतलब? अरे यहाँ हर बंदा इतने सवाल क्यों करता है, ये घर है कि थाना? ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर, ठीक ठीक बता तू है कौन? मैं समरा। समरा हो या चमड़ा, ये बता के तू आई कहाँ से है? अरे बताया तो है कि इस घर के मालिक की मेहमान हूँ मैं। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू बता। अरे बाबा फिर किसी ने कुछ बोल दिया क्या तेरे को? ये देखे आपकी नौकरानी मेरे से बदतमीजी कर रही है। नौकरानी? बाबा छाछो क्या हुआ, क्या कर रही हो तुम इधर? अरे बाबा साईं आप कब आए, और ये आपकी मेहमान है? ये मेरी मेहमान है, और सबको बता दो कि ये मेरी मेहमान है, और इसे कोई भी सवाल नहीं किया। मगर बाबा साईं बहुत। चल अंदर, चल अंदर, फौरन से चल अंदर। बात सुन, आइंदा अगर कोई भी तुमसे ऐसे वैसे सवाल आते करे ना तो मुझे बस आवाज दिया करो। मालू आप एक काम करे ना, मुझे चराग दे जाएं। चराग? क्या मतलब है तुम्हारे चराग का? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ, और यूं गया यूं वापस आया। जल्दी आइएगा। जल्दी आइएगा। तौबा कौन हो तुम, राय दी है तुमने तो। मुझसे पूछ रही हो मैं कौन हूँ? मैं इस घर की मालकन हूँ, तुम कौन हो? लो एक और मालिक। क्या मतलब एक और मालिक, और कितने मालिकों से मिली हो तुम? भाई अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ ना, वो सब अपने आप को इस घर का मालिक ही बताते हैं। देखो मुझे नहीं पता तुम किन से मिली हो, मगर इस घर की असली मालकन मैं हूँ, और सीमा मेरा नाम है। तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ मैं, क्या मतलब तुम्हारा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ नजर नहीं आता, मैं यहाँ पर टहल रही थी। अरे मेरा मतलब है कि क्यों आई हो, किससे मिलना है तुम्हें? मैं इस घर के मालिक की मेहमान हूँ। मालिक की मेहमान? बच्चों ने बुलाया, बच्चों ने बुलाया तुमको? जाके उन्हीं से पूछो। उससे तो मैं पूछ ही लूंगी। तो जाए, यहाँ खड़े होकर मुझ पे रोब ना जमाए, उन्हीं से जाकर पूछे ना। अरे मेरे घर में मुझे तो तुम्हें भी देखो। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। ओ बाबा बच्चू तुम मेरी बात समझते नहीं हो। बाबा सही, अब फिर आ गए? क्या मतलब है फिर आ गया मैं? अब मेरा मतलब अब कैसे आना हुआ आपका? भाई वो एक थोड़ा सा काम था तो मैं आ गया। अच्छा हुआ कि मैं आ गया बाबा। अच्छा खैर, अब ये लड़की कौन है? तुमसे पूछ रही हूँ कौन है वो? बाबा क्या वो गई मुझसे मिलने आई है? कोई कोई नहीं, लड़की है, कहती है तुम्हारी मेहमान है। अच्छा सच्ची उसने ऐसा कहा? बच्चू क्या हो गया? अरे बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब कोई मुझसे मिलने आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? किस काम से बुलाया आपने उसे यहाँ पे? काम तो मैं देख कर ही बताऊंगा। बच्चू होश में हो, क्या कह रहे हो? अरे बेगम जो तुम सुन रही हो वही कह रहा हूँ। मैं पूछती हूँ वो कौन है और किस लिए आई है यहाँ पे? अभी जाकर पूछती। अरे बैठो बेशरम, तुम अपनी बीवी के सामने किसी गैर औरत से मिलने के लिए मचल रहे हो। बाबा सही मचल नहीं रहा, उछल रहा हूँ सही, उछल रहा हूँ। मैं जाके देखूँ तो सही मुझसे मिलने कौन आया है? अरे तुम बैठो बैठो, मैं जाके देख लेता हूँ कौन है उधर। बाबा सही आप क्या देखने जा रहे हैं?
बस तुम इसको देखो, मैं उस लड़की को देख लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन वो है कौन? बाबा वो मेहमान है। मेहमान? मैं देखता हूँ। तुम रुको यहाँ पर, वो मेहमान है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जाके उसे देखता हूँ, हो सकते आगे वो मेजबान बन जाए। मैं जा रहा हूँ। बाबा सही क्या कह रहे हैं? बाबा सही जो कह रहे हैं ना, वो बहुत खतरनाक कह रहे हैं। कोई रोको बाबा सही को। हाँ हाँ काम हो गया है। एक बुढ़ा फंसा है, बस जान छुड़ा कर आती हूँ उससे। हाँ बस आ रही हूँ। हाँ हाँ जैसा भी होगा ना बता दूंगी मैं तुम्हें। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों यहाँ आना मना है? अरे मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं सोच रहा था कि कहीं आप बोर तो नहीं हो रही, और अगर आप हो रही है तो मैं आपको जरा कंपनी दे दूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन आप जरूर कर देंगे। अच्छा एक बात बताएं, आपकी शादी हो गई? नहीं क्यों? देखिए फिर जल्दी से फैसला कर लें, मैं भी कवारा हूँ, ऐसा ना हो कि बादल आ जाए। बादल क्या मतलब? देखिए जी बादल होंगे तो बारिश आएगी, बारिश आएगी तो सब कुछ धुल जाएगा, और अंदर से पता नहीं कौन कैसा निकले। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, आपको बकवास लग रही? मैं तो बड़े संजीदा मसले पे आपसे बात कर रहा हूँ। शादी और नौकर से माय फुट। अरे ये तो नसीब नसीब की बात है, वरना यहाँ के मालकों से तो लाख दर्जे बेहतर ये आपका खादिम है। यहाँ कोई पढ़ा लिखा है? पढ़े हुए तो सारे हैं, लेकिन पढ़ा लिखा कोई नहीं है। हाँ मैडम पढ़ी लिखी है। कौन मैडम? अरे वो मैडम, मैडम सीमा से मुलाकात नहीं हुई? अच्छा वो मैडम जो मुझे मशकूक नजरों से देख रही थी। लेकिन हमने तो आपको प्यार की नजरों से देखा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है शादी कर ले, जोड़ी अच्छी रहेगी। शादी और नौकर से कभी भी नहीं। देख ले आप, ये पेशकश भी महदूद मुद्दत के लिए है, वरना ये ऑफर भी खत्म हो जाएगी। अपनी ऑफर आप अपने पास ही रखिए। वो तो रखी हुई है, लेकिन कभी कभी आप जैसी हसीनाओं को देख के ये ऑफर बाहर आ जाती है। आपको कभी किसी ने बताया कि आप बिला वजह फ्री होते हैं? वैसे तो बहुत लोगों ने बताया, लेकिन उसी के बाद से ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ओह माय गॉड। बताओ तो इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्या बस दुनिया में सिर्फ आम बेचने और दूध बेचने आया हूँ क्या? बाबा अब तो फैसला हो गया, अब शादी होगी। लेकिन बाबा सही, मेरी शादी तो पहले से ही हो चुकी है। अरे बाबा मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी शादी की थोड़ी बात कर रहा हूँ। क्या बाबा जानी आपकी शादी? अरे बाबा क्यों नहीं कर सकता, तुम्हारी अम्मा को गुजरे हुए कई बरस गुजर गए, भाई अब हम खुद को जो है ना अपने आप को तो तना महसूस करते हैं। हाँ बाबा बहुत मजा आएगा, बहुत धूम धड़क से करेंगे शादी। ऐसे कैसे बाबा सिंह, क्या हो गया आपको? अरे बाबा तुमको और क्या हो गया है, मैं बच्चों की शादी थोड़ी कर रहा हूँ। क्यों बच्चों? हाँ जी बाबा जानी आप ठीक कहते हैं। बच्चों क्या हो गया तुम्हें? मेरा मतलब है कि बाबा जानी क्या हो गया आपको? किसकी शादी की बात हो रही है? अरे बाबा तुम्हारी और मेरी शादी की बात हो रही है। मतलब आपने फैसला भी कर लिया? अरे बाबा हमने सोचा कि हम उम्र हो, इससे ज्यादा बेहतर शादी का। हम उम्र? सही तो कह रहे हैं। देखा कितनी समझदार है। अरे बाबा खुशियाँ मनाओ, तुम्हारी नई अम्मा आ गई है। आए 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 आए, कितनी अच्छी अम्मा है तुम्हारी। अरे हाँ बाबा साईं, हमने तो अपनी माँ को दुल्हन बने हुए भी नहीं देखा था, अल्लाह ने हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, शुक्र है। अरे कौन सी औलाद अपनी वालदा को दुल्हन बने हुए देखती, क्या हो गया तुम लोगों को? अरे साईं हम देखेंगे ना। अरे बाबा फिर शादी की तैयारियां करो ना, जो कल काम होना है वो आज करें। जैसे आपकी मर्जी। क्या मान गई? नहीं मानेगी भाई। बस तो फिर शादी वाले दिन मैं शेरवानी पहनूंगा। अरे साईं तुम शेरवानी पहनेगा शादी वाले दिन, तो काम कौन करेगा घर के? अपनी शादी वाले दिन भी काम करूंगा क्या मैं? बाबा मेरी शादी हो रही है इससे, तू बीच में कहां से आ गया बाबा? आपको दूध वाला नहीं डाकू होना चाहिए था, दूसरों के हक पे आप लोग डाका डाल देते। क्या मतलब? फिर कुछ नहीं, काम की सारी जिम्मेदारी मेरी, बस पैसे दे और काम बता। अरे सीमा क्या खानदानी नौकर पाल रखा है तुमने। अरे बाबा तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। चलो चलो पहले मैं जाऊंगा फिर तुम आओ। आओ चलें जरा। अरे बाबा जुर्म बाप करे और औलाद जाए अंदर, क्या होगा? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। बच्चों क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं क्या कर रहा था बाबा, वो तो बाबा सही कर रहे हैं।
और तुम हामी पे हामी भरे जा रहे हो। तो और क्या करूं, उनके सामने मेरी कौन सी चलती है। मेरे सर पर जरीना कम थी कि एक सांस भी आके बैठ जाएगी। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, इरादा तो मेरा कुछ और था। इरादा? क्या इरादा था तुम्हारा? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करो बाबा, कुछ करते हैं। कैसे नहीं करो फिक्र बच्चू माय कावबॉय। बच्चू प्लीज किसी तरह शादी रुकवा दो ना। बेगम आपके लिए कुछ। चले बाबा साईं को समझाएं, इससे पहले वो लोग शॉपिंग में निकल जाएं। चले 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 चले। बाबा जानी बुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे चुप कर, मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है। अरे ये कोई मजदूरों की मांग है जो मंजूर नहीं है। लेकिन बाबा जानी शट अप, मैं कह रहा हूँ शट अप, इनका मतलब है चुप कर जाओ। यही 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 बाबा साईं। हाँ बाबा। शादी के जोड़े का रंग कैसा होगा? मेरे ख्याल में सही सफेद रंग का होगा। क्या हो गया भाई, सफेद रंग के जोड़े तो बेवा पहनती है, वैसे उसमें भी दिन अब कम ही रह गए। चुप हो जाओ, हमारे कारोबार का रंग भी यही है, हम दूध का कारोबार करते हैं, दूध का रंग सफेद होता है बाबा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बस अच्छा, कुछ दिनों बाद भी काम आ जाएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब था कि किसी के मरने पर भी पहन सकते हैं। अरे मरने मरने की बात मत करो यार, वो जो तुमको मैंने काम कहा था वो तुमने किया। हाँ हाँ, बस लोग आने वाले होंगे। अरे सही कौन लोग? शादी के काम काज के लिए। शाबाश शाबाश। अच्छा भाई अब बाबा ये कौन है? ये बावर्ची है, हर मैयत और स्वयं पे यही खाने बनाता है, और इसका इतना वसी तजर्बा है ना, हर बीमार आदमी को ये पहचान जाता है कब इसकी बिरयानी बनने वाली है। चले शाबाश, आप जाएं आप जाएं, जाइए जाइए सरकार, आइए आइए। अच्छा जी ये देखिए, ये है तंबू वाला, इसके तंबू के साथ साथ बंबू भी है, जलजला आए कुछ आए इसके तंबू हराम है जो हिले। अभी कल चीलम में इसने जो है ना तंबू लगाया। शाबाश आप जाओ, कुछ खाया भी करो। बाबा जानी ये तुम सब मैयत वाले लोग ले आए हो, मैं शादी कर रहा हूँ, कोई खुदकशी नहीं कर रहा यार। क्या पता इसकी भी जरूरत अनकरी पड़ जाए। ये कैसे हो सकता है भाई, ये मेरी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा मुझे भी तुमसे दो तीन बातें करनी है, चलो 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 मैं भी आऊं। जानी तेरी कोई इज्जत ही नहीं है, क्या करूं। अब बात करो। मैं चाहती हूँ कि शादी की शॉपिंग ना हम दोनों साथ में करें, कोई और साथ ना हो, बस आप और मैं। अरे जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ अच्छा सुने, कैश ज्यादा उठा लीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग करनी है। इसकी तो तुम फिक्र ही ना करो, वैसे भी मेरे जेब में 2-3 लाख हमेशा होते हैं। हाँ बाकी। अरे कसम तुम्हारी। तो फिर अभी चले शॉपिंग के लिए, नौकर तो वैसे ही सारी शादी की तैयारी कर लेंगे। ठीक है ठीक है, फोन साथ में लाजमी ले लीजिए। जेब में रखा हुआ है। बस चले टेस्ट लाना, हमेशा ऐसा बदमजा मनाते हो कड़वी रोटी। और तंबू तो नो डाउट आपके बड़े अच्छे हैं, लेकिन इस दफा इलाका बड़ा मस्त है। उसको आ जाओ बाबा, आ जाओ आ जाओ। और जानी हाँ बात सुनो, हम दोनों जा रहे हैं बाहर किसी काम से, तुम सारे घर के मामला को देखना। ठीक है आ जाओ आ जाओ। ठीक है भाई, मैंने जो बताया। मेरी माँ ने वाली है, मेरी दुआ रंग लाने वाली है, मेरी माँ ने। क्या तुम अजीब अजीब गाने गा रहे हो यहाँ पे खड़े? अरे इतनी औरतें बाद नई माँ मिलने वाली है, खुशी तो होगी ना जी लोगों। वैसे तुमने पता है, अरे ये तो जलेगी ना क्योंकि इसके पापा की शादी तो हुई नहीं है। भाई मैं क्यों जलूंगी इस बात से? हाँ हाँ बस रहने दो, शक्ल से ही पता चल रहा है कि कौन खुश है और कौन जल रहा है। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी तो नई माँ आने वाली है। अरे बाबा जानी ये क्या हुआ है, वो हमारी नई अम्मा किधर है? अरे मर गई तेरी माँ, मर गई तेरी माँ। अबे वो तो यार लुटेरी निकली बाबा, वो बड़ी खतरनाक औरत थी, मुझे बाहर जाके सबने पीटा, इतना मारा मेरे सामान सब लोगे, पर्स पर्स मोबाइल मोबाइल बाबा सब ले। यार ये कैसे कैसे लोग आ जाते हैं घर में। ओ भाई बाहर जाके तंबू लगा। अबे ओ बाबा कौन है तू? आगे सारा गुस्सा मैं तुझ पे निकालूंगा, तुझ पे निकालूंगा, तुझ पे निकालूंगा। कि मेरे
ज्यादातर रिश्तेदार सारे के सारे मॉडर्न लोग हैं, ठीक है? तो उनके सामने आपको भी मॉडर्न बनना पड़ेगा उनकी तरह। ठीक है बाबा, ठीक है, जब मेरे गांव से कोई आएगा तो तुम गांव वाली बन जाओगी। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम, मगर मैं तुम्हारी खाला नहीं हूँ। ठीक है, क्या मतलब है साईं? आखिर हम इस घर के आधे मालिक हैं। आधे वो भी तो हैं। तो आधे है ना, आधे बन के रहे, पूरा बनने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा बाड़ा खोल रखा है तुमने घर पे? नहीं नहीं, बाड़ा तो अब पूरा हुआ है, भला गाय के बगैर बाड़ा कैसे पूरा हो सकता है? पछताओगे इसके लिए। पछता तो मैं बाबा तुम उसे शादी करके रहा हूँ, जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती हो। अब किधर है? अब बाहर आओ, बुला रहे हैं तुमको, हम बुला रहे हैं तुमको। अरे अरे, कौन है भाई ये? कौन इतना गला फाड़ फाड़ के चीख रहा है? देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। इम्प्रोवाइज नहीं मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।